सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। पेंसिल के 100 गुना माप है लेकिन पेन पर जिम्मेदारियां बहुत हैं। हर बात का जवाब देने बैठ जाएंगे तो कभी लाजवाब नहीं बन पाएंगी। नफरत के एक पल में प्यार के कई साल भुला दिए जाते हैं। इंसान का सबसे बेहतरीन साथी उसकी सेहत है। अगर वह उसका साथ छोड़ जाए तो वो हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। आज का पंचांग 19 सितंबर 2022 दिन सोमवार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि शाम 7:02 तक रहेगी। इसके उपरांत 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आद्रा नामक नक्षत्र शाम 6:11 तक रहेगी। इसके उपरांत पुनर्वशु नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:48 से 9:19 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:56 से 12:44 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगे। सिंह राशि 19 सितंबर 2022 दिन सोमवार, ऐसे स्थितियां आ सकती है जो आपको बिना सोचे काम करने के लिए उकसाए। यह सही समय है जब आपको सब कुछ अपने नियंत्रण में रखकर युद्ध स्तर पर काम करना है। अपने बच्चों या छोटे बहन भाइयों के लिए सुरक्षात्मक रवैया अपनाएं। आप बहुत अच्छी तरह सामाजिक गतिविधियों में शामिल होंगे और यहाँ आपका बहुत अच्छा स्वागत होगा। आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव आएगा और रहन सहन के बीच अधिक सजग रहना दूसरों के बीच आकर्षण का केंद्र बनेगा। किसी अटके हुए काम को पूरा करने के लिए उचित समय है। जोरा से अधिक विचार करने से सरल काम भी कठिन हो सकते हैं। अपनी बातों में खोए रहने से परिस्थिति की नकारात्मकता देख नहीं पाएंगे। आपका नुकसान भले ही ना हो लेकिन जिस प्रकार से प्रगति होनी चाहिए वह नहीं होगी। जीवन में सतर्कता रखें। व्यापार से जुड़े हुए लोगों को दूसरों के नियत पर रखनी होगी। पार्टनर की जिम्मेदारियों को नजरअंदाज ना करें। शुगर से संबंधित तकलीफ हो सकती है। सावधानियां, किसी भी योजना को क्रियान्वित करने से पहले घर के सदस्यों की सलाह भी जरूर लें। लेन देन के मामलों को लेकर आपसे कोई गलती हो सकती है। अगर कोई यात्रा का प्रोग्राम बन रहा है तो अपनी सामान का ध्यान रखना जरूरी है। बात करते हैं लव लाइफ की। दाम्पत्य जीवन सामंजस्य के अभाव की वजह से कुछ दिक्कतें रहेगी। विवाहेतर संबंधों से दूरी बनाकर रखें। आज अपने रिश्ते को जांचकर कुछ मर्यादा सीमाएं बांधने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। आज आपको यह महसूस हो जाएगा कि आप अपनी क्षमता से अधिक देते रहे हैं फिर भी आपका पार्टनर आपसे संतुष्ट नहीं है और उसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इन मांगों पर सीमा लगाने से आपके रिश्ते में मजबूती ही आएगी और इससे आपके रिश्ते को ऐसा नया रूप मिलेगा जिससे आप और आपके पार्टनर दोनों को ही अधिक राहत महसूस होगी। बात करते हैं करियर की। आज आपके कार्यालय में आपके और औरों के विचारों में भिन्नता रहेगी। चाहे वह आपका सहकर्मी उच्च अधिकारी या आपका मालिक हो, चाहे वह कोई भी हो, पर निश्चय ही ये आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। इसलिए आपको शांत मस्तिष्क से काम लेना है ताकि आप वाद विवाद से बचे रहें। अगर आप प्रातः काल में दौड़ लगाने जैसा हल्का व्यायाम करें तो आप काफी हद तक अपने तनाव को दूर कर सकती हैं। व्यवसाय में कोई बेहतरीन ऑर्डर मिलने की संभावना है। सिर्फ अपने काम की क्वालिटी को और अधिक बेहतर बनाने में ध्यान दें। सावधानी रखने से आपके कार्य निर्विघ्न पूरे होते जाएंगे। ऑफिस में सहयोगियों के साथ वाद विवाद में ना पड़े। बात करते हैं सेहत की। आज आप खुद को किसी ऐसे आदमी की वजह से गुस्से में अनियंत्रित पाएंगे जो बिना बात आपकी सब चीजों में टांग अड़ाता रहता है। इससे आप बेहोश भी हो सकते हैं।
इसलिए आप ध्यान रखें और इस आदमी को लेकर आप तरोताजा भी होंगे और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। आज का उपाय, आज आप शंकर भगवान जी की पूजा आराधना करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।